अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको दोस्त आपसे जिद करे कि मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, तो फिक्र किस बात की, आप इसको ले जाइए पिशावर के मशहूर कबाड़ी बाजार। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं सुबह सवेरे 7 बजे का मैं उठा हूँ, मैंने ब्लॉग अभी 3 बजे स्टार्ट किया, जिसकी वजह यह है कि दोस्तों का प्लान बना था कि हम लोग किधर जाएंगे आज, और मैंने कहा चलो देख लेंगे। मेरे तो पहले रहा था, मैंने कहा चैलेंज वीडियो करते हैं, कोई अच्छी चैलेंज, ज़बरदस्त चैलेंज मेरे दिमाग में था, लेकिन बस वो रह गए। दोस्तों ने कहा चलो किधर जाएंगे, एकदम से हमें तो काम पड़ गया, और अहमद ने किधर जाना है, अभी गया भी नहीं, मेरे ख्याल से अभी गया होगा या नहीं गया, उससे भी किधर जाना है, तो बस जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया, तो इस वजह से आज मैं सब कामों से रह गया हूँ। तो बस अभी मेरे दिन का आगाज़ सुबह से हुए, लेकिन ब्लॉग का आगाज़ अभी हुआ है, तो बस अहमद फारिग हो, उसके बाद देखते हैं कुछ सीन बनाते हैं। और मैंने आज जाते हैं सदर भी चक्कर लगाना, सदर में एक काम है, तो वो काम भी कर लेंगे, तो बस इंशाल्लाह फिर देखता हूँ थोड़ी देर में क्या करना है अभी। और एक और बात मुझे याद आई कि आज तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है, मेरा दिल तो ये बन रहा है कि जाए कि आज पूरा दिन बैठ के मैच ही देखूँ। मैं तो स्टार्ट में मैच देखना दिल नहीं चाहता, एंड एंड ओवर मज़ा करते हैं, तो उससे वो ओवर देख भी लेता हूँ, तो आज तो मेरा मूड है कि फुल मैच जाके देखूँ। मैच तो स्टार्ट है, देखता हूँ क्या सीन बनता है, दोस्त मोस्त को पकड़ दूँ कोई और। शान तो आ गया अभी यहाँ पर, और ये मोबाइल पहुँचाने तो भाई भी बैठे, अब जाता हूँ बस ये लोग अभी क्रिकेट खेल रहे और मैं जाता हूँ इनसे, मैं भी अभी तक क्रिकेट ही खेल रहा था, कोई था नहीं, शान आ गया, बस ये मोबाइल पहुँचाता हूँ। ये गए घर में कहने के लिए, बस ये निकले तो फिर जाते हैं। काम से फारे गए, दूसरा काम रहे शहर खड़ा, बस निकलते हैं। शरीफ को फिर यहीं पर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बाइक के पास कोई नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो देखें ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें लेट क्यों निकले हो, इसका कोई हल ही नहीं है, मैं 3 मिनट के अंदर निकला हूँ, लेकिन फिर भी कड़ों में चाबी लग गई, और बस सब काम करके फारे को अब निकलता हूँ घर। अभी हम लोग घर वापस पहुंच गए, और मैं आपको एक और बात कहूँ कि शहन को भूख लगी हुई है, और मैं उसको अभी कुछ नहीं खिलाऊंगा क्योंकि हमारा एक और काम आ गया, और ये मुझे बहुत बुरी निगाहों से देख रहे हैं। आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करो, व्यूज देखो, आगे शेयर करो यार, इससे कुछ तो खाए ना यार, जरा जल्दी जाओ यार। जल्दी जाओ यार। फिर अभी हम जाते हैं किसी और जगह, दुकान पर किरा वाला काजू से पकेरा वाला दादा काजू से भरा वाले काजू से मोबाइल लाओ, चलो सब्सक्राइब करो, चुप कर बे कुत्ते। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको दोस्त आपसे जिद करे कि मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, तो फिक्र किस बात की, आप इसको ले जाइए पिशावर के मशहूर कबाड़ी बाज़ार, जिसमें 100 रुपये में आप दोनों का पेट भर सकता है। यहाँ से आप लोग गुड़ का शरबत ख़रीदिए, जो कि 2 ग्लास आपको 40 रुपये के मिल जाएंगे, और फिर ये पीने के बाद आपके दिल से सिर्फ एक आवाज़ निकलेगी, मज़ेदार मज़ेदार। अभी तो रुकिए, इसके बाद आप इसके बिल्कुल साथ ही खड़वे समोसे वाले के पास से 10 रुपये का समोसा ख़रीदिए, इसमें 3-3 दाने आप दोनों खा सकते हैं। समोसे ना होने की वजह से हमने रोल ख़रीद लिए, जिसको खाने के बाद सिर्फ मेरे दिल से सिर्फ यही आवाज़ निकली। हम लोग घर आ गए, और यहाँ कुछ हम बाहर से रहे हैं, कुछ घर में पड़ा था, बस अभी खाते हैं पेट भरते हैं, मैं तो इसी खाऊंगा आज के बाद से बस। अभी बस नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जाता हूँ नमाज के लिए, फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ा से मिलता हूँ। तो नमाज पढ़ के मैं बिल्कुल फारिग हो गया हूँ, और मेरे साथ एक बंदा मौजूद है, इसने मुझे कहा था कि मैं 4 बजे जाऊँगा, इंशाल्लाह 5:30 तक तुम्हारे साथ होऊंगा, और अभी 7:18 है, और ये 4:30 का गया हुआ, और अभी मुझसे 7:18 पर मुझसे मिला है, तो इसने कहा था उसके बाद हम लोग किधर जाएँगे, मैंने कहा चले सही है, तो ये भी इसके बाद भी किधर जाएँगे हम लोग, हमने दुनिया घूम के आ गए हैं। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल बस, तो अब क्या करें, अभी हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, वैसे इनको हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए जैसे कि एज यूजुअल हमारे जैसे कि हमारे दोस्तों की रूटीन है,
तो ये लोग शराब पीने से चोरी के पीछे क्या, तो ये लोग डेली रूटीन में ये स्ट्रिंग पीते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि स्ट्रिंग अच्छी है कि नहीं। डॉक्टर अज़ाज़ से दरख्वास्त है, कोई अगर मेरे ब्लॉग देखता हो तो बताएं कि स्ट्रिंग इनके लिए अच्छी है कि नहीं। 20 मिनट्स लेटर बेकाम शिखर का एरिया में आया है तू, वेलकम टू गोवा सिंगर। अभी हम लोग वकास भाई आ गए, तो वकास भाई से हम लोग बैठे हुए हैं, बड़े मजेली भी है, और असद भाई के साथ ये बातें कर रहे हैं। असद भाई भी बस माशाल्लाह बस खुश है, और बाकी लोग भी आए पता नहीं किसी बात के लिए, तो बस ईद की बातें सुनते हैं, ज़रूरी बातें हैं तो चुप बातें सुनते हैं। जैसा कि इस गरीब का हाथ दुखा हुआ है, तो आज हमारा कोई प्लान फिर से नहीं बना, तो इंशाल्लाह फिर प्लान बनाएंगे, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ कि क्या सीन है। ठीक है, अबे लड़के अपना काम कर। The next day. सो मैं उठ गया हूँ, सुबह हो गई है, सुबह नहीं होती, खैर अभी तो दोपहर हो गई है, और रात को मेरा ब्लॉग एंड करने का दिल नहीं था, बस मैं सो गई, मुझे नींद आई हुई थी। तो इस ब्लॉग को ही एंड करते हुए, तो आप लोग पसंद आया तो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।